What's up guys, welcome back to the channel. आज हमारे उत्तर प्रदेश के राजा का जन्मदिन है. उत्तर प्रदेश के राजा इसलिए क्योंकि वो जैसे बात करते हैं उसको उत्तर प्रदेश का राजा ही बोलते हैं. उनको विश करने जाएंगे, केक लेते हैं पहले, जाएंगे भैया को विश करने. इसको निकालने में हेल्प करना, धक्का मार धक्का मार. इसमें प्योरिटी का लाखों का फर्क है. चालू नहीं है. 1 2 3 इसके पास सारा है, ये ऐसा 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 इसके पास सब फ्लेवर में. खाली आशिक लिखा था. खाली आशिक, आशिक डबल ए एस. पहले वो कुवारा था, आशिक हो चुका है. आशिक की स्पेलिंग है. जय भगवान जी. ये मेरी स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो है. ये मैंने 5वीं में बनाया था पहला पन्ना. अरे मैं हूँ कुछ तो है, दिख ही नहीं रहा. कितने महीने का हूँ मैं? एक महीने का हूँ मैं. इतना छोटा सा गुलाब के फूल के साथ पहले. लेकिन ये पहले बहुत मस्ती करता था डॉन जब छोटा था. 2 साल का हूँ मैं, 2 साल का. दादी दादी एल्बम में आप भी हो, अभी आप आओगे दिखाता हूँ. मैंने तभी भी सूट पहना है, कभी की बात है. 2002-3-4 फटे तो फटे. मेरे को गुब्बारा पहना दिया ये लोगों ने और खुद मस्त बैठे. मेरा मुंह देखो, ऐसा लग रहा है मैं डिसअपॉइंटेड हूँ. यहाँ पैंट में नाड़ा निकल रहा है. फोटो खिंचा रहा हूँ मैं. ये फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे तब का फोटो है. ये रही मेरी मम्मी जवान. पापा के सिक्स पैक पता है? पापा विद सिक्स पैक एब्स. पापा वो सिक्स पैक एब्स कहाँ गया? ये कौन है? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है. देख रहे हैं गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं लड़के मेरे, समझ रहे हो ना? लिफ्ट चल रहा है. लिफ्ट चल रहा है. पिछली बार आया था तो लिफ्ट जवाब दे दिया था. हर बार जवाब ही देता है. हर बार जवाब ही देता है. लाइट नहीं रहता है. गजब बेइज्जती है. धन्यवाद. चलो आप अंदर आओ. धन्यवाद. आपसे पर्सनल में मुलाकात की जाएगी. ए हे, रहा नहीं जाता. व्हाट्सअप मित्रा, हाउ आर यू? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. हम आपसे गले लगना चाहते हैं. कैसे हो भाई? तुम्हारा चेहरा, इनका चेहरा दिखाओ. इनका चेहरा इतना खिला हुआ लग रहा है. क्या बात चल रही है? कहाँ, थोड़ा इनसे पूछिए कि ये कहाँ और किसके साथ घूम रहे थे? तो सारे मित्रों के साथ गए. कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं देना चाहते हमको लग रहा है. वो स्पेसिफिक नाम नहीं बता पा रहे. कोई बात नहीं, हम समझ सकते. समझ रहे हो? चलो तो केक लाओ भैया, केक ले जाओ. जो स्पेसिफिक फ्रेंड के साथ घूम रहे थे वो भी थोड़ा देख लीजिए. नहीं नहीं, हम कुवारा बोले तो पहले सोचे कि चलो कुवारा का तो जगह ही नहीं है. फिर मिनमे मेरे को रियलाइज कराया कि भाई ये तो एनी मोर कुवारा है ही नहीं. फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आइजन, हैप्पी बर्थडे टू यू. कौन है ये लोग? कैसे कहे क्या है सितम सोचते हैं. थोड़ा सा रिवाज के लिए खाली गाल पे पोत देते हैं, ज्यादा नहीं पोतेंगे. तुम एकदम सेव किए हो, समझ पा रहे हैं. तकलीफ
हमको खाली इतने ही स्टोरेज की जगह मिली है तो अच्छे से लगा दो मर्दे नाकों पे आंखों पे सर पे सर वो ब्लैक हेड निकालने के लिए लगाते क्या बोलते हैं उसको फेस चारकोल फेस स्क्रब स्क्रब अब बाकी जगह नहीं लगाने दे रहे हो तो कम से कम यहाँ तो लगा दो हाँ तनी थोड़ा छूट गया है वहाँ पे सर पर सर पे थोड़ा बाकी है सर पे नहीं बाल पे नहीं बीच माथा में दिलार पे सर का कम समझ बाल के कम समझ सकते हो ऑफकोर्स हम हमारी दिली इच्छा रहती है कि कोई हमको वहाँ पे ना छूए हम कैसे छू देंगे भैया ये राम जी का ये एकदम लुक आ गया है इसका क्या करें थोड़ा दिखाइए थोड़ा मुंह बंद करो अपना मुंह बंद करो थोड़ा मुंह बंद करो पास में अरे मरते जैसा कोई बात नहीं भाई अभी अभी थोड़ा और अच्छा होगा अभी रुको गुड बाय इलाहाबाद गुड बाय मुंह मत खोलना गुड बाय रुक बे कैमरा बंद कर पहले फोटो ले नहीं तो गिर जाएगा ऊपर का कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे अबे मम्मी घर पे चावल डाल दी चावल दाल नहीं खाया इसी डाइटिंग कर रहा है सोच चीज खिलाओ जंक फूड खिलाओ तो आदमी ना खाए समझ में आए ये भाई साहब चावल दाल खाने को तैयार नहीं हुए भाई खाना वजन करके खा रहा है मतलब वजन हाँ अमेजोन से वजन करने वाला मंगाया है उस पे खाना वजन करता है तब जाके खाता है सोच कुछ एक्सपेक्ट करोगे सरप्राइज है लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो फिर क्या फायदा इसलिए तुमको बताएंगे नहीं सरप्राइज का वेट करो सरप्राइज है हमारे एक मित्रगण है निकला जाए जल्द मिलेंगे तुमसे मेकिंग माय डे बाय बाय डॉगीज मैं थोड़ा रोहित भाई को बीच घुमा के लेके आता हूँ तो आगे कैसे जाएंगे इसमें जाना ही पड़ेगा ना इतने पानी में मैं पहली बार आ रहा हूँ इतना पानी मैंने नहीं देखा कभी यहाँ तक नहीं आता है पानी ये बारिश का ही भरा होगा समंदर का तो नहीं है हाउ डू यू फील नाइस मतलब पूरा पैर डूब ही गया पूरा नहीं भाई मुझे तो सबसे अच्छा व्यू यही लग रहा है हो गया वाटर किंगडम वाला रास्ता खत्म हो गया अच्छा वो जो व्हील्स था पहले खाने का यहाँ पे था मुझे लगता है बाइक वाइक अंदर ना जा सके इसके लिए पूरा पेड़ यहाँ पे लगा दिया इसके लिए सब बाहर ही खड़ी करते गाड़ी पता नहीं क्यों ऐसा किया बट गाड़ी जाती है अंदर तो सही रहता देखना यहाँ पे टेबल टाइप बनाया ना ये ऐसा लग रहा है ये आज से 100-200 साल पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करता था जो अब खराब हो चुका है आ गया ना सही व्यू यहाँ पे अपना मस्त पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं व्यू को एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे तो देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो ब्लैक सैंड है पूरा ऐसा कैमरा में उतना नहीं पता चल रहा पर वो पूरा ब्लैक ब्लैक लग रहा है उधर जैसे कच्छ नहीं एकदम वाइट वाइट है वैसे वो एकदम ब्लैक ब्लैक लग रहा है जितना घुटना है ना उतने पानी तक चलते हैं फिर मैं बताता हूँ तू फील करके देखता हूँ बहुत अच्छा लगेगा हाँ बस बस इतना ठीक है अब इस पानी के अंदर ना ऐसे बस हाथ पीछे कर ले हाँ और ऐसे आँख बंद कर और जो हवा है ना उसको फील कर और समुंदर की आवाज़ की फील कर बहुत अच्छा फील होता है अगर कोई आएगा तो वो भी ट्राई करके देखना बहुत अच्छा फील होता है दो मिनट के लिए रोहित भाई को छोड़ के दिया उनको किसी ने कैमरा दबा दिया फोटो खींचने के लिए आपको दो मिनट के लिए छोड़ के दिया किसी ने कैमरा थमा दिया आपको लाइक तो है ही मस्त इस पर टिका लो और बैठ जाओ और भी नहीं अरे चलता है इतना नाइस वाइप मुझे तो अच्छा लगा मड़ई जैसा रहता चारों बाजू एक बाम्बू ही रहे खाली बाम्बू
मतलब दोपहर बिठाने के लिए बहुत सही है। हाँ, पूरा खेत के बीच में ऐसे चार बम्बू डाल के मड़ई टाइप रहता है, मस्त लगता है। और एक एक और कॉन्सेप्ट सुना है कि पेड़ के ऊपर बनाते हैं घर, पता है, ट्री हाउस, वो भी बहुत सही लगता है। थोड़ा देर बैठे वहाँ पे, थोड़े गेम्स खेले और व्यू अचानक से कितना सही चेंज हो गया। यहाँ पे तो ये सब फुटबॉल खेल रहा है। अरे मैं आउट्रो शूट करना ही भूल गया, तो फिर वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।